हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एस एकेडमी तो आज मैं आप लोगों के सामने लाई एक बहुत ही तड़कता भड़कता लीगल अवेयरनेस का टॉपिक बहुत जरूरी है हमारे लिए क्योंकि हम सबकी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है व्हाट्सएप तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप क्राइम तक ले जाता है हम सबको। देखिए क्या है कि आज के टाइम में हम सब लोग जो हैं स्मार्टफोन यूज़र्स हैं एंड्रॉयड आईफोन सब यूज़ करते हैं और उन सभी मोबाइल फ़ोन्स में व्हाट्सएप एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हम सभी इंस्टॉल करते हैं और व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स से चैट कुछ नेसेसरी चैट्स एंड सब लोग जो हैं ग्रुप चैट्स में इन्वॉल्व रहते हैं इमेजेस का आदान प्रदान होना मैसेजेस का वीडियोस बहुत सारी चीज़ें हम जो हैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं तो बेसिकली ये बहुत अच्छा एक मीडियम है जो हम सबको कनेक्टेड रखता है बट कहीं ना कहीं कई कही बारी हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए बिकॉज यू नो नज़र हटी दुर्घटना घटी तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम उस चीज़ से बचे रहें सावधान रहें और हमसे ऐसी कोई भी गलती या चूक ना रह जाए जिसकी वजह से हम एक व्हाट्सएप क्रिमिनल बन जाएँ तो क्या होता है कई बार हमारे पास एक कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं उन ग्रुप्स में ऐड कर लिया जाता है अगर देखिए माई फ्रेंड आप किसी ग्रुप में हैं आप उस ग्रुप के हैं उस ग्रुप में कोई भी ऐसी बात हो रही है जो किसी किसी जो 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 के 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 अगेंस्ट है, जो से है, जो किसी के के अगेंस्ट है 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 मैटर से रिलेटेड रिलीजन डेफामेशन का केस क्रिएट करती है इन सब चीजों से आप बचें क्योंकि देखिए क्राइम होता हुआ देखना भी एक क्राइम है अगर आप उस चीज में कुछ कर नहीं रहे हैं आप शांत हैं बट आपकी हिस्सेदारी है उसमें बिकॉज यू आर मेंबर ऑफ दैट ग्रुप तो आप भी उसमें इंक्लूड

act 2000 के तहत गवर्न किए जा रहे हैं और इसमें एक सेक्शन है सेक्शन 67 ए ये क्या कहता है दैट पोस्टिंग ऑफ एनी ऑफेंसिव मटेरियल ऑन एनी ऑनलाइन मीडियम ये एक जुर्म है आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी ऑनलाइन जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं हमारी इनमें से किसी के भी थ्रू आप कोई ऐसी चीज ट्रांसमिट या ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं जो किसी के खिलाफ हो या किसी की डिग्निटी के खिलाफ हो या किसी की रेपूटेशन के खिलाफ हो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको तीन साल तक की सज़ा हो सकती है ओके यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स फॉर थ्री इयर्स एंड यू कैन बी चार्ज विद द फाइन आल्सो और बोथ तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है एंड देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट right है वी हैव द राइट कि हम जो चाहें वो बोल सकते हैं हम स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट right है येस वी हैव राइट बट हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो किसी और के लिए अनोइंग हो या इनकनवीनियंट हो या कहीं ना कहीं ग्रॉसली ऑफेंसिव हो उनके लिए ये सब चीजें हमें नहीं बोलनी है हमें जान करके ऐसा कुछ पोस्ट और हमें तीन साल तक के लिए सजा हो सकती है आपको बहुत सारे के इंट्रोडक्शन दूंगी जहां पर ऐसा हो चुका है अगर आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में या सपोज आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है आप व्हाट्सएप चलाते भी नहीं है तभी भी आप किसी व्हाट्सएप के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं यस, yes, आप ऐसा करेंगे तो एटलीस्ट आपको जो बंदा ऐसे मैसेजेस भेज रहा है उसे तो सजा हो सकती है ना यू आर द रिसीवर आपकी कोई गलती नहीं है आपके पास ऐसी कोई चीज भेजी गई है बट जिस इंसान ने भेजी है वो तो गलत कर रहा है ना हम उसको सजा दिलवा सकते हैं तो आपको कंप्लेंट जरूर करनी है हमारे पास बहुत मीडियम्स हैं हम जिनसे कंप्लेंट कर सकते हैं तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है और अगर ऐसा कोई कुछ करता है देन बी वेयर सेवन ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट है आप व्हाट्सएप क्राइम्स में रिलेटेड हैं या इनकलकेटेड हैं तो ऑलरे Right? इसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं। लेट मी टेल यू फेबर 2014-15 में क्या हुआ था अलीगढ़ में भुवन चौधरी नाम का एक लड़का था जिसने रामू पंडित

एक ऐसा ही मैसेज भेजा था जो अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ था और वो भड़काऊ पोस्ट थी तो उस ग्रुप में एक मेंबर ने कंप्लेंट कर दी थी और राजकुमार जेल पहुंच गया एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस क्या हुआ था जयललिता जी के बारे में हम सब जानते हैं वो तमिलनाडु की सीएम थी वहां पे एक आदमी था श्रवण वहां पे वो जो जगह थी वो फ्लड स्ट्रिकन थी तो वहां पे उन लोगों को फ्लड स्ट्रिकन जब वो लोग थे तब उन्हें सामग्री नहीं मिल रही थी बाढ़ पीड़ितों को और उनको बहुत दिक्कत हो रही थी तो वो उस टाइम के शासन से बहुत दुखी थे तो उनके पास जयललिता जी की एक फोटो आ गई व्हाट्सएप पर और उन्होंने उस फोटो की नौकरी करने के लिए क्या किया अंडर के ऊपर जयललिता जी की फ़ोटो रख के वो सर्कुलेट कर दी क्लिक करके ियली यू नो वेरी मच सेंसिबल और uh, अजीब लगता है बहुत कि इतनी बड़ी हस्ती हैं आप उनके खिलाफ ऐसी उनके रेपुटेशन कैसे खराब कर सकते हो तो आज तक भी वो इंसान श्रवण जेल में है एंड यू नो कोई भी ऐसी फोटो वीडियो एब्यूजिव मैसेज रिलीजियस जो भी हमें लगता है जो फेक न्यूज है जो हमें ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में हम श्योर नहीं है कि वो चीज़ सच्ची है या झूठी है वो हमें आगे फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी अब्यूजिव मैसेजेज आ रहे हैं वो हमें अब्यूजिव अब्यूजिव वो हमें फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए ऑल दिस कैन लीड टू व्हाट्सएप क्राइम एंड सेवन ईयर्स तक की जेल एंड इम्रिजनमेंट बी श्योर अबाउट इट अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी और चीजें हैं जैसे हम कोई ऐसे मैसेजेस ट्रांसफर या ट्रांसमिट कर देते हैं कभी कभी जो रिलीजन के खिलाफ होती हैं किसी के ये हमें ध्यान रखना है किसी भी इंसान को रिलीजियस तौर पे हमें भड़काना नहीं है ऐसे मैसेजेस भी हमें क्राइम की तरफ ले जा सकते हैं देन हमें कोई भी ऐसा मैसेज इमेज वीडियो जीआईएफ कुछ भी ऐसा फॉरवर्ड नहीं करना है जो किसी वुमेन के लिए हरासमेंट वाला हो, आपकी वो भी कंप्लेंट हो सकती है एंड सेम आप साइबर क्राइम और व्हाट्सएप क्राइम के केस में गिरफ्तार किए जा सकते हैं देन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देखिए व्हाट्सएप एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है हमें कनेक्टेड रखने के लिए है देन वाई टू मिस यूज़ इट उसे अच्छे से यूटिलाइज करते हैं यूज़ करते हैं उसका और उससे कनेक्टेड रहते हैं बातचीत करने के लिए एक मीडियम ऐसा बना के रखते हैं जो हम सबको हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव एंड वॉट नॉट पूरी दुनिया से जोड़े रखें बट ये सब करना कि हम ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं हम पॉन क्लिप्स शेयर कर रहे हैं या शेयरिंग ऑफ डॉक्टर्ड और मॉफ्ट पिक्स ऑफ वेरी Important people, reputed people, ये भी गलत है। हम uh, impersonating कर रहे हैं और अकाउंट विद अदर वो भी गलत है ऐसे मैसेजेस करना जो हेट को प्रमोट करते हैं जो किसी को किसी की रेपूटेशन एंड डिग्निटी को हार्म पहुंचा सकते हैं एंड स्पेशली द र्यूमर्स ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि पता ही नहीं होता है हमें हम र्यूमर्स को फॉरवर्ड करते जाते हैं और उस चीज को लेकर के डर फैला देते हैं सबके मन में एंड सेंसिटिव टॉपिक्स जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड हमें व्हाट्सएप से बचकर रहना है एंड जैसे कि कुछ प्रोहिबिटेड चीज़ें होती हैं जैसे सेलिंग ऑफ ड्रग्स इन सब चीज़ों के बारे में हमें व्हाट्सएप ऐसा ये मीडियम नहीं है हमें व्हाट्सएप पे ये सब चीज़ें नहीं करनी है और वैसे भी ऑब्वियसली ये नहीं करनी है दीज आर प्रोहिबिटेड एक्ट्स बट इन सब चीज़ों से हम दूर रहें तो बहुत ज्यादा अच्छा है बिकॉज व्हाट्सएप इन सब चीजों के लिए नहीं बना है बहुत लिबरल एप्लीकेशन है मजा लीजिए इसका यूटिलाइज इसे अच्छे से कीजिए हम सबसे इससे कनेक्टेड रह सकते हैं देखिए हम अपने फ्रेंड्स से जुड़े रह सकते हैं तो ग्रुप्स बनाइए अपने दोस्तों के ग्रुप्स बनाइए बट उसमें ये सब चीज़ें फॉरवर्ड करना प्लीज़ अवॉइड कीजिए एंड इनफैक्ट मत ही कीजिए ऐसे एग्जाम्पल दो केसेस और भी हैं मैं आपको बताती हूँ एक पीआईएल फाइल हुई थी 2012 में जिसमें शहीन ढाडा और रीनू श्रीनिवासन श्री एक लड़की थी इनको अरेस्ट कर लिया गया था पालघर से डिस्ट्रिक्ट थाने से वहां पे इन्होंने एक कमेंट करा था अगेंस्ट द शटडाउन इन मुंबई एंड इन्होंने कमेंट किया था फॉरवर्डिंग द शिवसेना लीडर बाल ठाकरेज डेथ बाकी सब ने इनके कमेंट को लाइक किया था उस केस में ये गिरफ्तार हो गए थे एंड अनदर एग्जाम्पल है अंडर सेक्शन सिक्सटी ए ऑफ आई एक्ट एक लड़का था वो अरेस्ट कर लिया गया था टू की बात है ये जब उसने फेसबुक पर कमेंट किया था अगेंस्ट सीनियर लीडर ऑफ समाजवादी पार्टी तो इसका मतलब ना कि व्हाट्सएप ना कि फेसबुक इंस्टाग्राम स्नैपचैट कहीं पर भी हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जो लोगों के बीच में हेट्रेड हेटरेड फैलाएं या उन लोगों की डिग्निटी को रेपूटेशन को रिलीजन को या कुछ ऐसा सेंसिबल हो जो तो किसी को हार्म पहुंचा सके तो इन सब चीजों से बचकर रहे अदरवाइज ये सब चीजें कब हमें क्राइम की ओर ले जा जाती है हमें पता भी नहीं चलता है तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब माई चैनल शेयर द वीडियो कमेंट बिलो विद योर सजेशन एंड क्वेश्चन इफ यू हैव एनी एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा आगे आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम टू तो टाइम मिलती रहेंगी थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स